जीएसटी से लगती आमदन का दूसरा दाखला। पहले एक दाखला हम कर चुके हैं, अब दाखला नंबर 17 सत्तरवा दाखला आज हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर रकम में पढ़ूंगी, श्री क्रियांश पटेल नालंदा व्यवहार में बसे नीचे ना दरे लागू पड़े छे। नीचे ना व्यवहार की रकम में आवश्यक का समावेश थे ना थी लागू पड़ता वसे की रकम उमेरी ने आमदन लगो केंद्रीय वसे सीजीएसटी 9% 2.5% राज्य वसे एसजीएसटी पहले था 6% और 2.5% और 1.25% था। अब यहाँ पर 9% 2.5% एसजीएसटी 9% 2.5% और आईजीएसटी 18% और 5%। सूरत ना सावन पटेल पासे थी 40,000 नो माल 10% व्यापारी वटावा ने 10% रोकड़ वटावे खरीदियो। 40,000 नो माल 10% व्यापारी वटाव तो यहाँ पर 4,000 कट हो जाएगा, 10% छूटगा, बचेगा कितना 36,000 जिसके ऊपर 9% जीएसटी। 36,000 पे 9% जीएसटी निकालेंगे हम। सूरत में तो ये जो केशोद ना क्रियांश है तो केशोद भी गुजरात में, सूरत भी गुजरात में है तो यहाँ पे सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। यहाँ पर खरीदा हुआ माल है। अब यहाँ पर पहले नंबर के आमदन करेंगे, मई 2019 पहले नंबर के आमदन खरीद खाते उधार कितने 36,000, 40,000 के 10% छूट 36,000, खरीदी के खाते में उधार 36,000 और जीएसटी 3,40, एसजीएसटी खाते उधार 3,40 ते सामने वाले का नाम क्या है, सावन पटेल। सावन हमारा लेनदार है जिसको हमने पैसा चुकाया नहीं है। सावन खाते यहाँ पर 0,448, यहाँ पर 4, 6, 9, 10, 11, 12 43,480। तारीख 3 तीसरे तारीख के आमदन अमरावती ना आयुष शाह पास 30,000 नमाण 10% व्यापारी वटा में खरीदियो। नाणा चेक की चुकव्या यानी हमारे पास बैंक से पैसा गया है। 30,000 का माल है जो 10% छूट से खरीदा है तो 3,000 की छूट दी तो रकम कितनी बची 27,000। 27,000 के ऊपर 9% जीएसटी, 27,000 के ऊपर 9% जीएसटी होती है 2430 सीजीएसटी, 2430 आईजीएसटी। अब यहाँ पर तारीख 3 में यहाँ पर अमरावती, अमरावती महाराष्ट्र में आता है तो यहाँ पर 9% नहीं 18% जीएसटी लगेगा। अमरावती महाराष्ट्र ना आयुष का पास 18% जीएसटी लगेगा। 27,000 4,460 यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। जीएसटी एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। यहाँ पर खरीदी के खाते में कितने का माल गया, कितने का माल आया है, 27,000 का माल खरीदा है।
60 और हमारे पास बैंक से पैसा गया है, हमने पैसे चेक से चुकाए हैं, बैंक से पैसा गया है 0 6 8 ने 7 7 14 15 4 5 और 1 7 0 6 8 7 7 8 9 10 11 और 2 1 3 31,860 रुपए का यहाँ पर खरीदी हुई है हमारी, जिसका पैसा हमने चेक से चुकाया है। अब यहाँ पर तीसरी एंट्री 5 तारीख अहमदाबाद ना अंश अवस्थी ने 50,000 नो माल 10% वेपारी वटावे वेच्यो, अर्धी रकम चेक थी मड़ी। यहाँ पर अहमदाबाद का जो अंश अवस्थी है उसे 50,000 का माल फरोख किया है 10% छूट से। 50,000 का माल 10% छूट से फरोख किया है, यानी 45,000 का माल हुआ है। ये 45,000 के माल के ऊपर अहमदाबाद में है इसलिए गुजरात राज्य में आता है, तो यहाँ पर 9% CGST और 9% SGST लगेगा। अब हमको 45,000 के 9% निकालने हैं। 45,000 के 9% होंगे 4,050। यहाँ पर 4,050 और यहाँ पर भी 4,050। अब हम यहाँ पर लिखेंगे हमने ये माल बेचा है तो हमारे पास बैंक में पैसा आया होगा, टोटल रकम जितनी होगी हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक खातेदार, बैंक में पैसा आया है, बाकी की रकम यहाँ पर अंश के खाते में उधार, फरोख के खाते में, फरोख कितना हुआ हमारा, बेचा हुआ 45,000 CGST खाते 4,050 SGST खाते 4,050। अब जितना टोटल है उससे आधी रकम का आपको चेक मिल गया है। अब हम यहाँ पर टोटल करेंगे 45,000 प्लस 4,050 प्लस 4,050 53,100 के टोटल में से 26,550 का पैसा हमको बैंक से में आ गया है। 26,550 का पैसा अभी भी लेना बाकी है, इसका टोटल किया है। ये टोटल करने के बाद उसका हाफ आधा पैसा चुकाया है, हाफ पैसा हमारे पास अकाउंट में आ गया है, हाफ पैसा आना बाकी है। अब यहाँ पर तारीख 8 दूसरा व्यवहार है नागपुर ना महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र यहाँ पर IGST लगेगा। नील मेहता ने 20,000 नो माल 10% वेपारी वटावे अने 5% रोकड़ वटावे वेच्यो, यहाँ पर नकद के चुकाने का कोई जिक्र नहीं है। अब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे 20,000 का माल के ऊपर 10% छूट मिली है, तो यहाँ पर 20,000 के माल के ऊपर 10% छूट और उसके ऊपर 18% GST लगेगा। ये 20,000 का माल है जिसके ऊपर 10% छूट है, माल बड़ा 18,000 का, 18,000 के ऊपर 18% GST डायरेक्ट अपना लिख देते हैं। GST कौन सा लगने वाला है, यहाँ पर IGST यहाँ पर लगने वाला है, 18,000 के ऊपर 18% IGST 3,240 रुपये IGST यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3,240, यहाँ पर IGST 3,240। अब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे 8 तारीख में, माल हमने खरीद किया है, फरोख किया है, माल हमने फरोख किया है नागपुर का नील मेहता को फरोख किया है, तो उसके पास हमको कोई पैसा नहीं मिला है, नील के खाते में उधार, नील हमारा देवादार बन गया,
नील के खाते में उधार कितना उधार 18,000। रकम बातें लिखेंगे उसके बाद बेचान बातें फरोख कितने का हुआ हमारा 18,000 का फरोख हुआ है। उसके बाद हमने उसके ऊपर आईजीएसटी खाते 3240 और इसका टोटल हमको यहाँ पर लिखना है 0, 4, 2, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पर 1 और 2, 3 21,240। अब उसके बाद का विवरण लिखेंगे हम यहाँ पर तारीख 11 तारीख का विवरण सूरत ना सावन पटेल ने 1/4 भाग नो माल परत करियो वसेक ने प्रमाणसर रकम मजरे मड़ी। सूरत में से 1/4 भाग नो माल परत मड़ियो। अब हमने जितनी भी रकम जो भी एंट्री की थी उसकी उलट एंट्री हमको यहाँ पर कर देनी है। जो पिछली बार भी हमने जिस तरह की एंट्री की थी बिल्कुल उसी तरह की एंट्री करेंगे हम यहाँ पर। देखो यहाँ पर सूरत का सावन ये वाली एंट्री है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर सावन के खाते में उधार 42,480 / 4 42,480 / 4 कितना आएगा 10,620। यहाँ पर 10,620 की रकम उधार करेंगे। तो अब यहाँ पर खरीद खाते उधार किया है तो खरीद परत खाते जमा खरीद वापसी के खाते में जमा 36,000 का चौथा भाग 9×36 यहाँ पर आएगा 9,000। CGST खाते यहाँ पर CGST 3240 का चौथा भाग 4×32 = 4,000 चौथा भाग होगा 810। SGST खाते 810। हो गया ये हमारा 11 तारीख का व्यवहार। अब तारीख 16 नागपुर ना नील मेहता पास थी 1/5 भाग में माल परत मड़ियो वसेक साथे ने प्रमाणसर रकम मजरे आपी। अब यहाँ पर हमको फरोख किया हुआ माल वापस मिला है तो यहाँ पर फरोख वापसी की नोंद होगी 1/5 भाग का माल। तारीख कौन सी है? तारीख है हमारी 16 तारीख का व्यवहार है। तारीख 16 नागपुर ना किसके पास से माल रिटर्न हुआ है? नागपुर ना नील मेहता पास से थी यानी यहाँ पर नील मेहता के पास से माल रिटर्न हुआ है 1/5 भाग का माल रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पर 21,240 के तकसीम में 5 21,240 के तकसीम में 5 4239 का माल रिटर्न हुआ है। अब हम यहाँ पर इसकी उल्टी एंट्री करेंगे बेचान परत खाते फरोख वापसी के खाते में उधार कितने का माल रिटर्न हुआ 18,000 के तकसीम में 5 3600 का माल रिटर्न हुआ। IGST कितनी मिली रिटर्न IGST खाते 3240 के तकसीम में 5 639 IGST और यहाँ पर नील का खाता जमा होगा। नील का खाता वहाँ पर उधार है हम यहाँ पर नील का खाता जमा करेंगे 6 और 6 = 12 और यहाँ पर 4549 हो गया हमारा टोटल 4549। अब तारीख 24 ऑफिस माटे 40,000 नो कंप्यूटर शुभ इन्फोटेक माथी खरीद्यू नाणा चेक थी चुकव्या। यहाँ पर भी शुभ इन्फोटेक यहाँ पर गुजरात के बाहर है ऐसा कोई जिक्र नहीं है। हम उसको गुजरात के अंदर मान के चलेंगे क्योंकि गुजरात के बाहर होता तो ब्रैकेट में जिस राज्य में से दिया हुआ होता वहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ होता। अब यहाँ पर IGST नहीं लगेगा CGST और SGST लगेगा 9-9% 40,000 के ऊपर 9% तो यहाँ पर 3600 रुपये GST लगेगा। कंप्यूटर खरीदा है हमारे धंधे में कंप्यूटर आया है। अब हम इसकी एंट्री करेंगे नाणे पैसा चेक से चुका दिया है हमारे धंधे में क्या आया है कंप्यूटर आया है। कंप्यूटर का खाता उधार थोड़ा ऊपर से कंप्यूटर का खाता उधार कितने का कंप्यूटर आया है 40,000 का कंप्यूटर आया है हमारे पास 40,000 का टोटल कंप्यूटर आया है और उसके
जीएसटी कितना लगेगा? 3600, 9%। एसजीएसटी कितना लगेगा? 3600। और सुबह इंफोटेक जिसने हमको उधार पे अपने कंप्यूटर दी और हमने पैसे तो चेक से चुकाए हैं, तो बैंक में से पैसा गया है तो बैंक का खाता जमा हो गया यहाँ पर 00612 3909 और 10 और यहाँ पर 50,000 40,000 है। 36,000 6 और 6 12 3 और 3 6 और 1 7 और यहाँ पर 47,200 की रकम हमारे पास बैंक से चली गई है। तारीख 30 ऑफिस बढ़ाना 10,000 चेक थी चुका भैया। ऑफिस का किराया, ऑफिस का भाड़ा है, गोडाउन का भाड़ा है, कमीशन है, ये जितनी भी रकम है उसके ऊपर हमको सेवा वाली जीएसटी लगेगी। सेवा की जीएसटी लिखी हुई है ऊपर 2.5%। सेवा की जीएसटी ऊपर 2.5% लिखी हुई है। तो अब हमने यहाँ पर ऑफिस का भाड़ा चेक से कितना चुकाया? 10,000 रुपये। ऑफिस का भाड़ा तारीख दी हुई है हमें, तारीख है 30। 30 तारीख को हमने ऑफिस का भाड़ा चुकाया। ऑफिस भाड़ा खाते, ऑफिस का किराया चुकाने के लिए गुजरात से बाहर तो गए ही होंगे, गुजरात के अंदर ही किराया चुकाया है 10,000। तो इसके लिए इसके ऊपर यहाँ पर CGST SGST दोनों लगेगा। CGST खाते SGST खाते उधार 10,000 रुपये 2.5% लगेगा यानी 250। ये पैसा हमने चेक से चुकाया है इसलिए बैंक का खाता जमा होगा 10,500। इस तरह की यहाँ पर आमदन लिखी जाएगी। अब इसके बाद तारीख 31 गोडाउन भाड़ाना 20,000 चेक थी मरिया। गोडाउन का किराया हमको चेक से मिला है, मिला है तो बैंक का खाता अब हमारा यहाँ पर तारीख 31 गोडाउन का किराया हमको यहाँ पर मिला हुआ है तो हमारे पास बैंक में पैसा आया है। बैंक के खाते में उधार, बैंक में जितना भी पैसा आया है उतना उधार गोडाउन भाड़ा खाते जमा कितना मिला है? 20,000। और 20,000 रुपये CGST SGST 2.5% लगेगा यानी 500 GST लगेगा। CGST और SGST 500 रुपये लगेगा तो यहाँ पर टोटल कितना होगा? 21,000। अब आखिरी तारीख 31 तारीख आखिरी तारीख है। भोपाल मध्य प्रदेश ना व्यापारी पास थी कमीशन ना 25,000 चेक थी मरिया। हमको चेक से पैसा मिला है तो हम बैंक का खाता उधार करेंगे। यहाँ पर 25,000 चेक से मिले हैं, 25,000 भोपाल महाराष्ट्र बैंक खाते उधार, कमीशन खाते जमा। अब बताओ मुझे SGST लगेगा या IGST लगेगा? यहाँ पर भोपाल या गुजरात के बाहर है तो यहाँ पर IGST लगेगा। कितने टका लगेगा? 5%। कमीशन कितना है? 25,000। 25,000 के 5% कितने हो गए? 25,000 के 5% हो गए 125 यानी 1,250। और ये 25,000 के 5%, 25,000 के 5%। चौथा चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ है। ये SGST के सारे आमदन थे, इसकी गिनती करके मैंने आपको एक एक आमदन बताई है। अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में फिफ्थ चैप्टर में थियरी है आपकी, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पीरियड में चैप्टर नंबर 6 छठा चैप्टर हम यहाँ पर करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें है पेटानॉन सब्सिडियरी नोट।
पेटर्न उनके बारे में नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको बताऊंगी, और नेक्स्ट पीरियड में हम वो चैप्टर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।